नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे हैं और पूरी मेहनत से अपने ड्रीम के लिए लगे हुए हो। फर्स्ट ऑफ ऑल माफ़ी चाहूँगा कि जो आपका साइंस का जो सीरीज़ था वो हम अभी कुछ दिन के लिए हमने रोक दिया यूट्यूब पे, जिसमें आप बहुत चीज़ सीख रहे थे और हमने आपको प्रॉमिस भी किया था कि जो बिहार दरोगा में अगर 25 क्वेश्चन आते तो 20 प्लस डायरेक्टली आपको वीडियो से दिखेंगे। ठीक है, अभी भी हेल्थ ठीक नहीं है, अभी भी 101 डिग्री फीवर है मुझे। ठीक है, बट ये वीडियो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि टाइम तो अब है नहीं ज़्यादा हमारे पास। ठीक है, और मैं फिर से कहता हूँ, अंडर प्रेशर हो के आप पढ़िए, थोड़ा प्रेशर आप जरूर लीजिए कि हाँ मेरा एग्ज़ाम है, तभी आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। क्योंकि ये जो माइंड होता है, ह्यूमन जो माइंड होता है, उसका साइकोलॉजी ऐसा है कि अंडर प्रेशर जब आप रहते हो तो डिसिप्लिन में रहते हो। ठीक है, तो ये चीज़ रखिएगा, आप समझिए कि 2.5 महीना आपके हाथ में। उससे पहले एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन हम आपके सामने आए हैं तो एक छोटा सा क्वेश्चन देंगे। जैसा कि हमने अभी आपको कहा कि मुझे 101 डिग्री क्या फ़ारेनहाइट में होगा मुझे, ठीक है, क्या फीवर है, आप मुझे ये बताओ। ठीक है, कमेंट करना कि ये डिग्री सेल्सियस में मुझे डिग्री सेल्सियस में मुझे कितना अभी फीवर होगा डिग्री सेल्सियस में, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन, आपने देखा फ़ारेनहाइट होता है, सेल्सियस होता है, और एक और होता है केल्विन। ठीक है, आप मुझे ये बताना, ये केल्विन हो चाहे फ़ारेनहाइट हो चाहे आपका सेल्सियस हो, ये तीनों आपका टेम्परेचर नापता है। आप मुझे ये बताइएगा, ठीक है, कि इसमें कौन सा ऐसा स्केल है जो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपको बताना है कि कौन सा टेम्परेचर का SI यूनिट है। तो तीनों क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन 101 अगर मुझे फीवर है फ़ारेनहाइट तो उसको डिग्री सेल्सियस में मुझे बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन मैंने बोला कि आपका केल्विन, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस तीनों टेम्परेचर नापता है, इसमें कौन सा ऐसा स्केल है जो कभी नेगेटिव में नहीं हो सकता। और तीसरा क्वेश्चन, कौन सा टेम्परेचर का, ठीक है, आपका ऐसा यूनिट है। चलिए, अब वीडियो 2 से 3 मिनट का है, बस शांति से आप समझ लीजिए। देखिए टाइम आपके पास नहीं है, ठीक है। और एक चीज़, जो भी आपको स्टेटस में जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ के लिए पॉसिबल नहीं है कि हम वीडियो बनाएं, तो स्टेटस जो हम डालते हैं आपके व्हाट्सएप में चाहे कम्युनिटी टैब में जो क्वेश्चंस डालते हैं, याद रखिएगा हर एक क्वेश्चन से आप लाखों लोगों को पीछे छोड़ दोगे। और एक एक क्वेश्चंस हम खुद बैठ के प्रिपेयर किए हैं प्रीवियस ईयर पे। अभी जो आपका क्वेश्चन चल रहा है, हमने आपको कल भी फूड चेन मतलब खाद्य श्रृंखला पे कराया था, और आज भी थोड़ा क्वेश्चन आप ऊपर लेके चल रहे ताकि आपको थोड़ा अगर डिफिकल्ट भी आ जाए तो आप एटलीस्ट समझ लो कि क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा। तो प्लीज़ नीचे लिंक होगा, आप व्हाट्सएप का एक एक क्वेश्चंस का आप नोट्स जरूर आप बना लीजिए, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं हिंदी और इंग्लिश। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, जितने लोग भी पहली बार दरोगा दे रहे हैं, ठीक है, और उनको क्योंकि मेंस में आपका हिंदी भी आने वाला है, ठीक है, और जो 64 जो अभी एग्जाम जो हुआ था 64 वाला, उसमें भी हिंदी के क्वेश्चन थे, हिंदी इंग्लिश मिला के ऑलमोस्ट 9 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो पहले सबसे पहले मैं उनको बोल दूं जो इंग्लिश मीडियम से हैं, ठीक है, और उनको डर है कि सर जो क्योंकि 30% तो आपको लाना है मेंस में भी हिंदी में, ठीक है, तो आप घबराइए मत, ठीक है। हमने 2 बार दिया है तो हमने निकाला है, तो आई थिंक आप लोगों का भी इजिली निकल जाएगा, ठीक है, ये मैं इंश्योर करता हूँ निकल जाएगा। बट एक चीज़ और याद रखिएगा कि हर साल हिंदी में भी लोग फेल होते हैं, ये आप प्रीवियस डाटा से देख लीजिएगा। तो हिंदी पढ़ना है, ठीक है, लेकिन ये नहीं है कि अगर आप मतलब आपको डर नहीं होना चाहिए कि नहीं हिंदी पढ़ना है तो अभी से ही पूरा जान आप हिंदी में लगा दो, आपका हिंदी मेंस के लिए हो जाएगा। अब यहाँ है बात है कि सर ठीक है, एक है हमारा हिंदी और एक है हमारा इंग्लिश। अगर इंग्लिश के क्वेश्चंस अगर आप देखोगे 64 पोस्ट वाला, ठीक है, और एक ESI का हुआ था 212। अब एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी पोस्ट कम होता है कुछ ना कुछ आपका यूनिक आप देखोगे BPSSC के द्वारा किया जाता है। जैसे 212 का जो एग्ज़ाम हुआ था ESI में, उसमें क्या हुआ था आपका मेंस में आपका करंट आ गया था, ठीक है, और ये था 64 पोस्ट, तो इसमें मेंस में कुछ चेंज नहीं हुआ, ठीक है, मेंस एकदम नॉर्मल था। बट इसमें प्री में इन्होंने क्या कर दिया, आपका ऑलमोस्ट 9 क्वेश्चन जो है, 5-4 था आई थिंक, 5 आपका हिंदी और 4 आपका इंग्लिश था, ठीक है, तो 5-4 मतलब टोटल 9 क्वेश्चन बहुत होते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है, 64 पोस्ट के लिए 9 क्वेश्चन समझ लीजिए, ठीक है, ये बहुत होते हैं क्योंकि वहां तो एक एक नंबर से यहाँ ये होना है, ठीक है, तो ये 9 क्वेश्चंस आ गया था। तो क्या सर जो 1275 है इसमें भी आएगा, हम कहते हैं कि नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि सिलेबस में कहीं मेंशन नहीं है। वो BPSC जब आपका कम होता है, ठीक है, पोस्ट, तो कुछ ना कुछ वो चेंज करता है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, चाहे आपका दरोगा 2 बार हो चाहे ESI हो, ठीक है, मैं पूरे एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, ऐसे ही हवाबाजी नहीं कर रहा हूँ। तो मोस्टली चांसेस जो आपका 1275 है इसमें आपका प्री में हिंदी इंग्लिश नहीं आएगा, और आपको इंग्लिश पे अभी फोकस नहीं करना है।
क्योंकि अगर आप जितना भी फोकस करोगे, मान लीजिए 4 क्वेश्चंस अगर आ भी जाए, मैं आपको इंश्योर करता हूँ आप ये 4 में 4 नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो जो क्वेश्चंस जिस लेवल के आए थे वो इजी नहीं थे, ठीक है। जैसे कि बिहार पुलिस के क्वेश्चंस देखोगे तो वो इजी क्वेश्चंस होते हैं। आप अगर थोड़ा भी इंग्लिश आपको आइडिया है, वाज वेयर ये सब में, तो आप कर लोगे। बट इसमें जो थे, ठीक है, बहुत ही अच्छे थे। जैसे कि आपका एक था एक्टिव पैसिव था, ठीक है, इस पे नहीं जाएंगे, मतलब आपको अभी इस पे फोकस नहीं करना है, ठीक है। फोकस आपको करना है हिंदी पे, ठीक है, क्योंकि हिंदी आपका मेंस में भी आने वाला है, ठीक है। तो अगर आपका हिंदी स्ट्रांग है, ठीक है, तो आपको तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, बट अगर हिंदी वीक है तो आप जरूर कीजिए। बट मुझे जहां तक लगता है जिनका हिंदी स्ट्रांग भी होता है तभी भी जो कुछ कुछ जैसे कि संधि विच्छेद हो गया ये सब में सब लोग रॉन्ग करते ही करते हैं। तो हिंदी जो है आपको अभी साथ में लेके चलना है, वो भी याद रखिएगा हर दिन नहीं पढ़ना है, ठीक है। आप वीक में 1 से 2 दिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि संधि विच्छेद हो गया आपका, ठीक है, आपका मुहावरे हो गए और आपका पर्यायवाची शब्द हो गया, तो उसका मैं टॉपिक बना के दे दूंगा, ठीक है, वो बस आप देख लीजिएगा प्री से पहले, ठीक है। और ये मेंस में भी आपको हेल्प कर जाएगा, तो एक बहुत बड़ा आपका टेंशन गुम हो जाएगा, ठीक है। तो इंग्लिश पे अभी आपको फोकस नहीं करना है, ज्यादा से ज्यादा अगर करना है तो आपको हिंदी पे करना है, क्योंकि आप जितना भी मेहनत कर लोगे हिंदी में आप फुल स्कोर कर ही नहीं पाओगे, ठीक है, क्योंकि पता नहीं वो कहां से किस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेंगे। पेपर जितना भी जाए आपका कटअप जो है आपका 70, 72, 73 इसमें ही रहेगा। तो आप पूरी मेहनत करें, जो मेन सब्जेक्ट है उस पर आप फोकस रखें, करंट अफेयर्स पूरी तरीके से आप चबा जाओ, ठीक है। हमने बेहतरीन तरीके से जान लगा दिया, ठीक है, आप जनवरी से जुलाई तक हमने पूरा एनालिसिस करवा दिया आपको, प्लीज जाके देखिए, ट्रिक से भी हमने करवाया, ठीक है, ऐप पे। उसके बाद आपको जो दूसरा, पहला करंट, दूसरा आपको साइंस पे फोकस करना है, क्योंकि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है उसके लिए आपको बहुत टाइम चाहिए होगा, एक बार समझने के बाद उसके आपको क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं। तो पहला करंट, दूसरा साइंस, और तीसरा आपको हिस्ट्री, हिस्ट्री में फिर से आपको कमांड करना है, ठीक है। उसके बाद जो आपका पॉलिटी है और आपका जो ज्योग्राफी है, इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो तो आपको पता होगा उतना डिफिकल्ट नहीं रहते, पर जो पॉलिटी है उसमें आपने अगर गौर किया है तो जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं कि 4 स्टेटमेंट दिए होते हैं तो वो पॉलिटी में आते हैं वैसे क्वेश्चन, ठीक है, तो वो हम लोग करेंगे। बट मेन फोकस अभी रखिएगा करंट पे और साइंस पे, इसको सबसे पहले कंप्लीट कीजिए, ठीक है, उसके बाद हिस्ट्री। सो थैंक यू सो मच, प्लीज जो भी कमेंट हमने क्वेश्चंस हमने पूछा उसका कमेंट जरूर कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। और प्लीज आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद।